पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मना किया था ना हमने कि किसी को इसके बारे में बताना मत। अरे 5 मिनट के लिए हम मंदिर का गए कि आप पीठ पीछे पुलिस वालों को बुला ला। अरे बस कीजिए, आप घरेलू हिंसा मत कीजिए पुलिस वालों के सामने, जेल में डाल देंगे आपको। फावड़ा भेजिए। गजब करती है चाची, अब रखिए मान जी। शांत बैठिए, बैठकर बात करते हैं, बैठिए। अब शांति से हमें बताइए कि आप अपने पति से अपने घर का आंगन खुदवाई क्यों रही हैं? देखिए मैडम जी, ये हमारा घरेलू खुदाई है, इस बीच में ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, इन्हें अरेस्ट करके थाने ले चलते हैं, वहां जाकर ये सब सच बोलेंगे। रुकिए, हम बताते हैं। हमारे घर में आंगन की जमीन के नीचे सोना गड़ा है। अच्छा, और ये खुशफहमी आपको किसने दी? आसमान के ऊपर क्या है, जमीन के नीचे क्या है, वो सब जानते हैं मैडम जी। वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, इतने महान दिव्य पुरुष है हमारे बाबा अर्जुन जी। मैडम जी, उन्होंने ही हमें बताया था कि हमारे घर के आंगन की जमीन के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। एक बात बताइए, इस जानकारी के बदले में उस आदमी ने आपसे कुछ मांगा? कुछ पैसे, जवाहरात, कुछ भी? क्या बात करती है मैडम जी, वो इतने महान दिव्य पुरुष हैं, वो हमसे कुछ मांगेंगे? बल्कि हम अपने तरफ से खुश होके खानदानी सोने का कंगन हम उनको गिफ्ट भेंट दे दिए। क्या तूने हमारा वो खानदानी कड़ा उसे दे दी? अरे तुम पत्नी हो कि पनौती हो? मैडम मैडम, ये देखिए क्या किया, वो हमारे पूछते नहीं वो कड़ा। अरे कुड़कुड़ा रहे हो, अरे इतना खाली से सोना मिलेगा कि उतना तो तुम्हारा पूरा खानदान भी मिलकर नहीं कमाया होगा। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बोलो। ना सोना ना कंगन। हाँ। ये सब एक तरीका होता है आपको ठगने का, कोई दिव्य शक्ति, कोई पावर, कुछ नहीं है उसके पास। बिल्कुल सही कह रही है वो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ ना, तुम इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो, मैं बताता हूँ। सुनो, देखो ऐसी कोई शक्तियाँ वक्तियाँ जो है ना इंसान के अंदर नहीं होती है। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अरे तुम भी मानोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में उन्होंने वो भी बताई है। कौन सी बात? क्या? उन्हें कैसे पता चला ये? एक मिनट, ये क्या खुसर पुसर कर रहे हैं, क्या चल रहा है? हम ये आपको नहीं बता सकते, ये हमारा खानदान का मसला है, हमारी निजी मामला है, हम नहीं बता सकते आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हम बुला के लेके आए, गलती हो गई। आप प्लीज जाइए, मुझे गड्ढा खोदना है, मेरे पास टाइम बहुत कम। हाँ, ठीक है ठीक है, ख्याल रखिए। भैया जाइए। धन्यवाद। अम्मा पेट खराब है तो वहां जाके छोड़ो ना, हमारे पास क्या ऐठिया आ रहे हो ऐसे? अरे नहीं मैडम, हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको। उसको किसको? जो आपके थाने में जो नई अफसर आई है ना, मीरा जी, उसकी बात कर रहे हैं। कोई शक? ओए क्या बात कर रहे बदनाम भाई, बिल्कुल सही बात। जब से मीरा जी इस थाने में आई है, ये पूरा इलाका ऐसे दिवाली की तरह रोशन हो। जब से इस थाने में आई है, कभी लाइट नहीं गई थाने की, कहाँ है दिख नहीं रही है मीरा जी। दिखाई नहीं दे रही है मतलब, वहाँ दिखाई नहीं दे रही है तुमको? कहाँ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब दिखाई दी? कितनी बार बोला ऐसे पौका देकर फैला कर। मैडम ये नहीं समझेगा तो हम समझ के। समझाएं? जाओ। अच्छा। हेलो, आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई करिश्मा सिंह। मैडम सर, मीरा को तुम ही ने गायब किया है ना? नहीं नहीं मैडम सर, आप ये क्या बात कर रही हैं, वो टीम के टप्पे को हम कैसे गायब कर सकते हैं? नहीं नहीं मैडम सर, ये किसी ने गलत आपको बताया, ये ऐसा कुछ नहीं है, हमने गायब नहीं किए। बनिए मत, पुष्पा जी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, आप ही ने गायब किया है मीरा को। आप ही ने हमारी आवाज में कमांड देकर दबे पाओ मीरा को थाने से निकल जाने के लिए कहा। छी 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 करिश्मा जी, आपने उस मासूम बेचारी भोली मशीन का अपहरण किया है, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 मैडम सर, ये पुष्पा जी ये इनकी बातों में मत आइएगा। जी,
कुछ भी बोल रही है मैडम सर। आपको लगता है हम गायब करेंगे वो टीम के डब्बे को? कितनी बड़ी चुगलखोर है, हम घर जाके निपटेंगे उनसे, पुष्पा जी को बताएंगे। ऐसे कुछ भी थोड़ी ना कह देती है। क्या 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 चुगलखोर सास? आप हमें चुगलखोर सास कह रही हैं? हम चुगलखोर नहीं है, चुगलखोर तो आप है। आप, आपका पूरा खानदान है, आपके पड़ोसी हैं, यहाँ तक कि आपके घर में जो कुत्ते बिल्ली है ना, वो भी चुगलखोर है। ना थोड़ा सा कुछ कह दे तो कैसा मिर्ची लग गया आपको, हाँ? और आप ऐसा मस्करी कर रही है हमारे साथ, ये अच्छी बात है? अरे तो फिर हमने भी तो थोड़ा सा मजाक ही किया ना, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? तो मजाक करने का उम्र होती है, उम्र देखा खुद का, हाँ? खबरदार जो हमारी उम्र बीच में लाई तो आप, हाँ? वरना हम इस सब लोगों को बता देंगे आपकी असली उम्र क्या है, चेता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना अब तो हमने भी करना सीख लिया है। सोचिए अगर हम मैडम सर की आवाज में मीरा को, मतलब ये टीम की चुड़ैल को अगर नचा सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, तो फिर आपको भी नचा सकते हैं। हाँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इंसान सिर्फ मशीन को कमांड कर सकता है, इंसान इंसान को नहीं। अरे हाँ बाबा, बताए हमें, बस ये तो एक बात करने का तरीका होता है, बोलने की बात होती है। और तुम चुप रहो, हमें बात करने दो। ओके मैडम सर। मैडम सर आपकी आवाज सुनाई दे रही है पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रही हो तुम? तुमको मैडम सर दिखाई नहीं दे रही है? नो। वो वहाँ वहाँ खड़ी है मैडम सर, दिखाई नहीं दे रही? नहीं। यहाँ मैडम सर है, जय हिंद मैडम सर, उनके बगल में करिश्मा जी है। नहीं नहीं। ओहो, लगता है आपकी जो लेंसेस है ना उसमें शायद टेक्निकल एरर आ गया है कुछ तो ना? पुष्पा जी, लगता है मीरा को हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। ओके मैडम सर। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुनिए ना पुष्पा जी, ये आए शाये छोड़िए आप, और ये बताइए कि किसी ने देखा तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक सन्नाटा है। बहुत बढ़िया, ये बताइए काम हुआ? नहीं, बस करने ही वाले थे, सोचा आपको एक बार फोन करके पूछे कि जो तय किया है वो करना है ना। हाँ, इसमें कोई प्लान में आपके चेंज तो नहीं हुआ है ना? सोच लीजिए, वरना मैडम सर को अगर पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ चेंज नहीं है, जैसा प्लान बताया है बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। ठीक है ठीक है, अभी हम उसे। यहाँ तो थी मीरा, कहाँ चली गई? पुष्पा जी अंदर भी नहीं है, यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ये सब कुड़कुड़ कर देंगे हम। कहाँ, मतलब क्या? आपके सामने तो खड़ी थी, साथ ही तो खड़ी थी, उसका आवाज आ रहा था हमको। मैं ढूंढिए ढूंढिए उसको, आस पास ही होगी, इतनी दूर नहीं जाएगी कहीं, जल्दी ढूंढिए। हाँ हाँ हाँ, ढूंढ लेते ढूंढ लेते। कहाँ गए शिव जी? अरे काम दिया था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।